नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर मधेपुरा से। जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर मौजूद कुमारी विनीता भारती ने बताया कि लगातार आजकल मधेपुरा नगर परिषद में सड़क दुर्घटना काफी बढ़ गई है, जिससे विगत 10 दिनों के अंदर दर्जनों मौत हो चुकी है, जो अत्यंत दुखद है। लगातार सड़क दुर्घटना से हो रही मौत, खास करके युवाओं की, जो कि इतनी लागत से, आज 800 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनी है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक यहाँ एम्बुलेंस वेंटिलेटर सहित उपलब्ध नहीं है, जिनके लिए मैं अधीक्षक से मिली। हालांकि वो नहीं थे प्रभारी अधीक्षक जिससे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैडम मैं जल्द ही विभाग को लिखूंगा और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज को वेंटिलेटर सहित एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करूंगा। क्या नाम? कुमारी विनीता भारती। इसी के साथ ही कहा गया कि अगर जल्द से जल्द एम्बुलेंस व न्यूरोसर्जन की व्यवस्था नहीं होती तो हम अविलंब विधि व्यवस्था को लेकर, लोगों की बेहतर उपचार के मुद्दे को लेकर आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। युवा नेता समाजसेवी ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ही मुरारी ने कहा कि यह अस्पताल इस कोसी के लोगों के लिए बड़ी आशा और उम्मीद की किरण है, मगर कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा कि कुछ जरूरी उपचार व एम्बुलेंस की कमी की वजह से काफी जाने गई हैं, जो अत्यंत दुखद है। लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल पाएं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगर यह मेडिकल कॉलेज की सुविधा में सुधार नहीं होती तो हम लोग यहां से लोगों की सुविधा के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और बेहतर मेडिकल कॉलेज बस सुविधा को बहाल करवा कर ही दम लेंगे। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।